हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टॉपर्स वर्क आज का हमारा टॉपिक है ओपियम वॉर सो फ्रेंड्स आज हम देखने वाले हैं ओपियम वॉर के क्या क्या कॉजेस थे ओपियम वॉर क्या था एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम देखेंगे हिस्टोरियंस के डिबेट सो सबसे पहले हम कुछ प्रीवियसर्स के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं Uh, पहला क्वेश्चन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ डेली में आया हुआ है इसमें पूछा है कि कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि ओपियम वॉर जो है उसका ओपियम से कोई लेना देना नहीं था बट ये एक दो संस्कृतियों का क्लैश था क्लैश ऑफ टू सिविलाइजेशन था और आपको अपना इसमें व्यूज बताना है दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कारण पूछा गया है ओपीएम वॉर का चाइना में क्या कारण था ये यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में पूछा गया है दूसरा क्वेश्चन है कि परिणाम पूछा गया है कंसिक्वेंसेस क्या था इस वॉर का एंड तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि ये ये जो वॉर था चाइना के जो गतिरोध था और जो वेस्टर्न डायनामिज्म यानी जो पाश्चात्य का जो विवाद है उससे प्रारंभ नहीं हुआ है ये आ, क्या आप इससे सहमत है इसमें आपको अपना व्यूज रखना है सो so, Uh, इससे पहले इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज आपको हमारे इस वीडियो में मिलने वाला है सो फ्रेंड्स प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सो लेट्स बिगिन फ्रेंड्स ओपियम वॉर जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है फॉर की हिस्ट्री में अगर हम देखें तो ये जो साइनो ब्रिटिश कन्फ्लिक्ट था साइनो वर्ड यहाँ पे चाइना के लिए यूज हुआ है तो यह जो चाइना और ब्रिटिश का जो कन्फ्लिक्ट था ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव लाया चाइना के हिस्ट्री में क्योंकि यहाँ से उन्हें पता चलता है कि वो कहाँ कहाँ लैक कर रहे थे कहाँ कहाँ वो कमजोर थे मिलिटरली और पॉलिटिकली ठीक है इस वॉर के बाद उन्हें वो चीज़ पता चलता है ओपीएम जो है उसको स्टार्टिंग में एज अ मेडिसिन यूज किया जा रहा था दोस्तों लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ये एक फैशन का सामान बन जाता है लेजर क्लासेस में लोग इसके धीरे धीरे एडिक्ट होने लगते हैं और ओपीएम की वजह से जो इसके एडिक्ट होते हैं उनका जो फिजिकल उनकी जो मानसिक और जो शारीरिक जो क्षमता होती है वो मतलब धीरे धीरे घटने लगती है वो बर्बाद होने लगती है सो so, uh, सो uh, so, इसकी वजह से वहां के जो इम्पेर है वो फिर बाद में इस पर बैन भी लगाते हैं एंड सेकेंड uh, एक ये भी इससे दिक्कत हो रही थी कि ओपियम खरीदने के लिए ये लोग सिल्वर में पे करते थे सो so, सिल्वर तो आते जा रहा है चाइन, चाइना में एंड जो कंटिन्यूस आउटफ्लो होता जा रहा है सिल्वर का ठीक है तो उससे उनकी इकोनॉमी भी डिटोडिनेट होगी उनकी इकोनॉमी को भी क्षतिग्रस्त चा, होगी ठीक है सो so, इस वजह से आगे चल के दो वॉर होते हैं फर्स्ट ओपियम वॉर एंड सेकेंड ओपियम वॉर सो so, अब हम देखते हैं इस वॉर का क्या क्या कॉजेस था एंड कॉजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड इसमें क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है सो so हम इसे अच्छे से देखेंगे सो so, एक इस वॉर का कारण ये था कि ओपियम की वजह से सिल्वर जो है वो कंट्री से बाहर जा रहा है तो वहाँ का जो सिल्वर था उसमें डिप्रेशन हो रहा था रिडक्शन आ रहा था है ना गिरावट हो रही थी जिसकी वजह से वहाँ का जो घर, घरेलू जो इकोनॉमी है वो बहुत ही बुरी तरह प्रभावित हो रही थी और जो एक्सचेंज रेट था चाइ चाइना में सिल्वर और कॉपर के बीच में जो कॉइन्स के बीच में वो डे डे और घटता जा रहा है ठीक है एंड uh, दूसरा ये था कि अः मोरल कंसर्न को देखते हुए मतलब नैतिक चिंता के वजह से जो युग चेंग जो इम्पेर थे उन्होंने ओपियम स्मोकिंग और उसके सेल पर बैन लगा दिया था 1729 में ठीक है एंड 1796 तक इसके इंपोर्टेशन पे भी रोक लगा दिया जाता है लेकिन इसके बावजूद भी ये जो आयात थे ये नहीं रुकता है दोस्तों एंड वहां की जनता इसकी पूरी एडिक्ट हो जाती है यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे या फिर जो मानचू uh, रूलर के अंडर जो मिलिट्री के ऑफिशियल्स थे वो भी इसके एडिक्ट हो जाते हैं एंड और इसका uh, इसके जो चीफ इंपोर्टर था ब्रिटेन में सॉरी चाइना में वो ब्रिटेन था तो so ब्रिटेन क्या करता था कि इंडिया में वो कल्टिवेट कराता था जब जस्ती पीजेंट से और उसे ले जाके चाइना में बेचता था तो so वो चाइना में एक प्राइवेट ट्रेडर्स के तहत वो बेचता था जिसको वे कंट्री ट्रेडर्स भी कहते हैं वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के लाइसेंस के अंडर काम करते थे उनका एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क हुआ करता था ठीक है यहाँ से जो है शिप्स के द्वारा चाइना में पहुंचता था और लिंथिन आइलैंड था एक दोस्तों वहां पर बहुत सारे शिप्स लगे होते होते थे छोटे छोटे शिप्स जो बहुत ही फास्ट जाते हैं बोट्स आप कह सकते हो बोट छोटे बोट्स होते थे उन बोट्स के जरिए ये फिर आगे बढ़ता था और रास्ते में इन्हें बहुत सारे जो डीलर्स थे ओपीएम के वो मिलते जाते हैं और थोड़ा थोड़ा अमाउंट में वो ओपीएम उन डीलर्स को देते जाते हैं और इस तरह फिर वो डीलर्स बाकी सारे चाइना में है ना अच्छी तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो इस तरह से नेटवर्किंग हो रही थी ओपीएम की एंड बाय द टाइम क्या होता है कि कमिश्नर लिन को अपॉइंट किया जाता है कैंटन में कि वो जो जो एंटी रेगुलेशंस था है ना उसको वो मतलब आ, बहुत ही क्या बोलते हैं नियंत्रण में ले उस चीज को तो वो एक चेतावनी जारी करते हैं फॉरेन ट्रेडर्स को और वो कहते हैं कि ओपीएम को सरेंडर कर दो और एक बॉन्ड साइन करो कि अब से आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करोगे ब्रिटिशर्स इतनी जल्दी मानने से रहे नहीं मानते हैं ब्रिटिशर्स की पूरी तरह से घेराबंदी कर ली जाती है कैंटन में उसके बाद वो फोर्सफुली उन्हें सरेंडर करना पड़ता है ओपीएम एंड दोस्तों वो ओपीएम का अमाउंट कितना था ट्वेंटी थाउजेंड चेस्ट ये बहुत ज्यादा होता है दोस्तों सो so, लेन क्या करता है उसे पब्लिकली जला देता है जब्त किया हुआ ओपीएम होता है लेकिन अभी ये वॉर जो है ये खत्म नहीं होता है और भी बहुत सारे इशूज हैं जिसके वजह से आगे चल के ये वॉर होता है जैसे कि जो ट्रीटी साइन की जाती है मकाओ में सो एक तरह से हम देख सकते हैं कि युद्ध का पहला दौर जो था वो चीनियों ने जीत लिया था ठीक है वैसे हमें लगता है कि ओपीएम जो है वो एक चीफ कॉज है इस वॉर का लेकिन और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे इस वॉर के जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है जैसे कि अगर कोई कानूनी प्रक्रिया होती थी तो उसमें होता था कि अगर कोई पश्चिम देश का आदमी कोई वेस्टर्नर अगर चाइना में आके कोई क्राइम करता है तो उससे सजा कौन देगा चाइनीज अथॉरिटीज देगी या फिर वेस्टर्न अथॉरिटीज देगी तो इस चीज को लेकर भी उन दोनों में काफी कंफ्लिक्ट हुआ करता था एंड एक कारण ये भी था कि एक कोताऊ सिस्टम था चाइना में जिसके जिसके तहत क्या होता था कि जो वेस्टर्नर थे उन्हें इम्पेयर के सामने झुक कर जो था ना सलामी देनी पड़ती थी तो वो वेस्टर्नर्स को बहुत हार्ट करता था तो वो थोड़े गुस्सा होते थे उससे पसंद नहीं आता था ठीक है तो ये भी एक थोड़ा एक तरह से मतलब उनके गुस्से का कारण था एंड uh, एक रीज़न ये भी था कि uh, बहुत दूर था ये ब्रिटेन और चाइना ना तो कम्यूनिकेशन्स की लैकिंग थी ठीक है बहुत टाइम लगता था चीज़ों को यहाँ से वहाँ पहुँचने में कार्गो को या फिर कोई मैसेज को जाने में तो ये डिस्टेंस था उसकी वजह से भी और uh, ये लोग जो थे ब्रिटिश और चाइनीज़ ये दोनों अपने अपने साइड में ना जो लीडिंग पर्सनालिटीज थी उनको चेंज करते रहा करते थे जैसे कि पहले लिन को अपॉइंट किया जाता है चाइना के गवर्नमेंट के द्वारा लेकिन चीन सॉरी लिन पे जो है बाद में जाकर उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने ब्रिटिशर्स को प्रोवोक किया है है ना उनको मतलब लड़ने के लिए मजबूर किया है लिन ने तो इस वजह से उन्हें हटा दिया आस्था और उनकी जगह ची यूंग को अपॉइंट किया आस्था है वहीं ब्रिटिशर्स के साइड पे एडमिरल एलियट आते हैं सबसे पहले फिर उन्हें हटाकर च... कैप्टन चार्ल्स एलियट को बुलाया जाता है फिर बाद में चार्ल्स एलियट को हटा करके सर हेनरी पोटिंगर आते हैं इन अगस्त एन फोर्टी सो ये सब था अब हम देखते हैं ओपीएम वॉर सो ये जो ओपीएम वॉर है ये खुद भी तीन स्टेजेस में इसको हमने डिवाइड करा है तो पहला स्टेज जो है ये शुरू होता है एडमिरल एलियट के आने से और चौन पी कन्वेंशन के होने तक दूसरा जो स्टेज है वो बोगियो फोर्ट की कब्जा होने तक है सेकंड जो स्टेज सीजर ऑफ बोगियो फोर्ट एंड थर्ड स्टेज जो है वो सेनरी हेनरी सर हेनरी पोटिंगर जब मकाऊ में आते हैं तब इसका थर्ड स्टेज शुरू होता है तो हम पहले फर्स्ट स्टेज देखते हैं इसमें क्या होता है कि जो ब्रिटिश एक्सपेंडिशरी जो फोर्स थे ना वो बी यूए तक आ जाते हैं वो लोग ठीक है बी ई आई एच ओ बी हुई के नॉर्थ तक वो लोग आ जाते हैं सो so, फिर वो लोग क्या करने लगते हैं वहाँ जो पीकिंग कोट था इम्पीरियल कोर्ट उसको वो लोग धराने लगते हैं ठीक है सो उस वजह से क्या होता है कि आ, मतलब इम्पेर बहुत डर जाता है है ना और जो जो चूसान जो था वो भी ब्रिटिशर्स के हाथों चला जाता है और वो लोग यंगसी रिवर के पास जो है ब्लॉकेट कर देते हैं तो इन सभी चीज़ों की वजह से लिन का बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है क्योंकि उन पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने ब्रिटिशर्स को एक्शन में आने के लिए प्रोवोक किया क्योंकि पहले हमने देख चुका है कि किस तरह से लिन ने आ, सारा जो कैप इतना सारा कैप्चर किया ट्वेंटी थाउजेंड टेस्ट ऑफ ओपीएम फिर उसे जला दिया तो उन पर यह लगता है कि मतलब उन्होंने उन्हें प्रोवोक किया है ब्रिटिशर्स को इसलिए क्या करते हैं वहाँ के जो राजा रहते हैं वो लिन को हटा देते हैं और उनकी जगह ची शान को अपॉइंट किया जाता है दोस्तों एंड उसे ऑन द अदर हैंड ब्रिटेन में क्या होता है कि एडमिरल एलियट को हटाकर अब आते हैं कैप्टन चार्ल्स एलियट ठीक है Captain Elliot, और कैप्टन जो एलियट है वो जो डिमांड करते हैं सेसेशन ऑफ हांगकांग का और एक इंडेमनिटी की डिमांड करते हैं एंड ऑन जनवरी ट्वेंटी फोर्टी फोर वो ची शान को कंपेल कर देते हैं कि आप एक एग्रीमेंट पर अपना सहमति दो जिसका नाम था चौन पी कन्वेंशन और इस चौन पी कन्वेंशन के जो वो थे प्रॉपर्टीज़ या फिर इसके जो जो चीज़ें थी इसमें वो थी कि पहला तो था कि सेशेशन ऑफ हांगकॉन्ग है ना हांगकॉन्ग आप ब्रिटिशर्स को दे दो आप छोड़ दो हांगकॉन्ग इन दो आप सिक्स मिलियन डॉलर का और कैंटन को फिर से व्यापार के लिए खोला जाए तो ये तीनों चीजें जो है चौन पी कन्वेंशन में लिखी गई थी जब इम्पायर को पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं जो भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशन थे चौन पी कन्वेंशन में और इसे डिस्प्लेस्ड होकर वो चीन शान को हटा देते हैं है ना और ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि ब्रिटेन भी इस चौन पी कन्वेंशन से खुश नहीं था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये जो इंडेमनिटी जो इन्होंने मांगी थी सिक्स मिलियन डॉलर की ये उनके अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा कम था है ना मतलब जितना उनका लॉस हुआ उस ओ पी एम सरेंडर करने में उसके कंपैरेटिवली ये अमाउंट बहुत ही कम था तो वो उन्हें भी सही नहीं लगता और वो चार्ल्स पोटिंगर सॉरी चार्ल्स एलियट को हटा देते हैं और उसकी जगह सर हेनरी पोटिंगर को अपॉइंट किया जाता है ये था फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज क्या होता है दोस्तों कि ये हेनरी पोटिंगर के आने से पहले की बात है आ, उसमें क्या होता है कि आ, आ, जो चौन पी कन्वेंशन था उसको दोनों जगह की गवर्नमेंट ने अस्वीकार कर दिया है ना रेप्यूडिएशन ऑफ चौन पी कन्वेंशन बाय बोथ गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट ने अस्वीकार कर दिया इसकी वजह से एक नया फेज़ ऑफ वॉर शुरू हो जाता है ठीक है और जो जो एलर्ट थे कैप्टन एलिएट वो बोग्यो फोर्ट पर कब्जा कर लेते हैं इन लेट फरवरी 1841 में साथ ही साथ वो चाइनीज का जो डिफेंस रहता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं उनकी मोर्चाबंदी को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं तबाह कर देते हैं जितने भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट थे है ना जितने भी रणनीतिक जितने भी बिंदु थे जितने भी क्षेत्र थे उसको जो है कैप्टन एलेट ऑक्यूपाई कर देते लेते हैं और वो बिसेज द सिटी ऑफ कैंटन कैंटन शहर की घेराबंदी कर लेते हैं तो ये था इसका सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज में क्या होता है कि सर हेनरी पोटिंगर के आते ही थर्ड स्टेज शुरू हो जाता है जब वो मकाऊ में आते हैं उनके वो आते हैं और इधर से कैप्टन इलियट जो है वो जाते हैं ठीक है थीके? इसके साथ ही थर्ड स्टेज का स्टार्ट हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि ट्रिटी ऑफ नैनकिंग साइन की जाती है जो ब्रिटिशर्स हैं वो चाइनीज गवर्नमेंट पे ये थोपते हैं ये ट्रिटी गन पॉइंट पे ऑन अगस्त ट्वेंटी नाइन एटीन फोर्टी टू इसके मेन क्या क्या कॉजेज थे ट्रिटी ऑफ नाइनकिंग के कि अब उन्हें ट्वेंटी वन मिलियन पैसे एजा हरजाना उनको देना पड़ेगा ठीक है अब कुछ कुछ जो पोर्ट्स है जैसे कि आरमोरे फोचू कैंटन निंगपो, संघाई, ये सारे पोर्ट्स उनको अब ट्रेड और रेसिडेंस के लिए है ना ब्रिटिशर्स के, के लिए खोलने पड़ेंगे है ना इक्वालिटी देनी पड़ेगी ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस में मतलब जो आधिकारिक पत्राचार होता है उसमें आपको बराबरी देनी पड़ेगी और एक निश्चित चुंगी की दर निर्धारित की जाएगी मतलब एक फिक्स टैरिफ निर्धारित की जाएंगी सो so, ये था थर्ड स्टेज लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे बात नहीं हो पाती है इन ट्रीटीज़ में और इसकी वजह से फिर आगे चल के सेकेंड ओपियम वॉर होता है क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी भी रिजॉल्व नहीं हुए हैं इसकी वजह से फिर सेकेंड ओपियम वॉर होता है सो so, हम देखते हैं सेकेंड ओपियम वॉर एंड द ट्रिटी ऑफ टेंटीन सो so, ब्रिटिशर्स को लगता है कि अभी भी मतलब हमने ओ ट्रेड अभी भी लीगलाइज नहीं हुआ है वहाँ पे कैंटन जो है वो अभी भी उनके लिए क्लोज्ड है है ना और उनके पास अभी भी ये अधिकार नहीं है कि वो डायरेक्टली जो वहाँ की गवर्नमेंट थी पेकिंग पे उनसे इक्वल टर्म्स पे जो है वो डील कर पाए तो ये कुछ कुछ मैटर्स जो हैं ट्रीटी ऑफ नैनकिंग होने के बाद भी अनरिजॉल्व रह गई थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है ब्रिटिशर्स में और वो सोचते हैं ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो सकता है जब और ज़्यादा पोर्ट्स हमारे लिए ओपन कर दिए जाएंगे चाइना में सो so, ब्रिटिश जो है वो फ्रेंच के साथ अलायंस बनाता है और वो फिर से चाइना पे टूट पड़ता है और चिंग गवर्नमेंट जो है अब वो इतनी ताकतवर नहीं रही कि वो दो फ्रंट पर एट ए टाइम साइमल्टेनियसली लड़ाई कर सके है ना उसके पास अब उतने रिसोर्सेज नहीं बचे हैं इतने सालों से क्योंकि वहां पर ऑलरेडी मेजर रिबेलियन वो फेस कर रहा है तो वो बहुत ही वीक हो चुका था सो so, जो एंग्लो और जो फ्रेंच जो है वो लोग अटैक कर देते हैं कैंटन पे एंड वो लोग एसॉर्ट लॉन्च कर देते हैं पीकिंग तक वो पहुंच जाते हैं कैपिटल पे है ना वहाँ उसका जो ब्यूटीफुल जो इम्पीरियल पैलेस था उसको तोड़ देते हैं ये सब तबाह कर देते हैं और एम्पायर इतना मजबूर हो जाता है कि उसको वहाँ से भाग खड़ा होना होता है द वर फोर्स टू तो फ्ली इसके बाद क्या होता है इसके वजह से चिंग गवर्नमेंट को सरेंडर करना पड़ता है और ट्रिटी ऑफ टीनस्टिन साइन करनी पड़ती है और ये जो ट्रिटी ऑफ टीन्स्टिन था ये वेस्टर्न पावर्स को और ज़्यादा अब नए नए एडवांटेजेस दे रहा है जैसे कि पहले जो कुछ अब जो है अब जो ओपियम ट्रेड है अब वो वहाँ पे किया जा सकता है क्योंकि इसके पहले प्रोहिबिशन था ऑन द ओपियम ट्रेड वाज फाइनली लिफ्टेड हटा लिया जाता है उस पर जो रोक था जो पश्चिमी देशों के जो लोग थे अब उन्हें यह अधिकार दे दिया गया कि अब वो रह सकते हैं और ज़मीनें भी खरीद सकते हैं चाइना में कहीं भी द कंट्री। इलेवन और बंदरगाहों को खोला जाएगा और और ग्यारह पोर्ट्स को ओपन किया जाएगा और डिप्लोमेटिक मिशंस को पैकिंग में स्टार्ट स्ट, स्ट किया जाएगा एंड उन्हें एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट एज एन वॉर इन मिलेगा सो so, ये थी ट्रिटी ऑफ टीन स्टीन अब हम देखते हैं दोस्तों हिस्टोरियंस के डिबेट जो कि अपने आंसर्स में कोट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चाहे आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी हो ओ पी एम पर क्वेश्चन आप हिस्टोरियंस के व्यूज ज़रूर डालना एंड फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपका ओ पी एम पर आना ही आना है सो so, प्लीज़ ये हिस्टोरियंस के डिबेट आप अच्छे से कर लेना क्योंकि चाहे जो भी क्वेश्चन हो आपको उसमें ये लिखना है ठीक है सो so, मार्क्स का अगर हम देखें उनका ओपिनियन तो उनको लगता है कि ओपियम का जो आयात हो रहा था उसका जो इम्पोर्ट हो रहा था उसके वजह से ये वार हुआ था ठीक है द इम्पोर्ट ऑफ ओपियम लेड टू द आउटब्रेक ऑफ द वार लेकिन अगर हम जॉन किंग फेयरबैंक की नज़र में देखें तो ये जो था ये दो संस्कृतियों का क्या था टकराव था ठीक है ईस्टर्न और वेस्टर्न दो संस्कृतियों का टकराव था जॉन के फेयर का कहना है वहीं अगर हम ब्रिटिश और उनके जो वेस्टर्न के जो एलाइज थे और बाकी सारे जो फ्रांस वगैरह ये सब थे उनको व्यूज़ अगर हम देखें तो वो जो लड़ाई था उसको वो ना अपने इंटरेस्ट में दिखाते हैं मतलब वो क्यों लड़ रहे थे वो ऐसा दिखाते हैं कि हम फ्री ट्रेड के लिए लड़ रहे थे है हाँ ना फ्री ट्रेड ऑफ इंटरकोर्स बिटवीन नेशंस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी पर आबरी के स्तर पे फ्री ट्रेड हो हम इसके लिए लड़ रहे थे माइकल ग्रीनबर्ग जो है उनका भी कहना है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो चीन को स्वतंत्र व्यापार के लिए खुलवाना चाहते थे इसलिए ये वॉर हुआ तो अब हम इसका कंक्लूजन देख लेते हैं दोस्तों सो फर्स्ट ओपियम वॉर 1839 से 42 एंड सेकंड ओपियम वॉर 1858 से 1860 तक चला ये जो लड़ाइयाँ थी ये चाइना में लड़ी गई पहला मतलब व्यापक स्तर का लड़ाई था जो कि चाइना और वेस्टर्न पावर्स के बीच लड़ा गया भले ही ओपियम एक बहुत ही मेजर कॉज था इन लड़ाइयों का लेकिन फर्स्ट ओपियम वॉर के बाद भी बहुत सारे जो मैटर्स थे वो अनसुलझे रह गए थे जिसकी वजह से फिर सेकेंड ओपियम वॉर होता है इस लड़ाई में चाइना हार जाता है क्योंकि उसकी जो सेना थी और उसका जो टेक्नोलॉजिकल गैप था जो प्रौद्योगिकी अंतर सेना और जो प्रौद्योगिकी का जो अंतर था उसने एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया जिसकी वजह से चाइना हारा सो ओपियम जो है वो एक सोल कॉज वो एकमात्र कारण नहीं था इस लड़ाई का सो so फ्रेंड्स ये था हमारा ओपीएम वॉर हम एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं फ्रेंड्स हमने कॉजेज़ देखा ओ पी एम वार का क्या क्या काजेस था इकोनॉमिक डिट्रॉइड हो रही थी है ना वहाँ की गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगा दिया था स्टिल स्टेंट इंडिया कंपनी अपने अंडर में लाइसेंस के थ्रू कंट्री ट्रेडर्स के थ्रू ट्रेड करवा रही थी कमिश्नर लेन आते हैं जो कि कन्फिसकेट कर लेते हैं ट्वेंटी थाउजेंड चेस्ट उसे चला देते हैं ब्रिटिशर उससे गुस्सा हो जाते हैं फिर एक कोताह सिस्टम होता है जिसके वजह से वेस्टर्न uh, जो लोग होते हैं उन लोगों को मतलब झुक सलाम करना होता है एम्पायर को उन्हें यह भी अच्छा नहीं लगता है फिर कानूनी जो अधिकार था क्रिमिनल जोरिस्डिक्शन जो है उस पर भी इनका कंफ्लिक्ट रहता है कि अगर कोई चाइना में कोई ऑफेंस करेगा वेस्टर्न का आदमी तो उसको सजा कौन देगा इस मैटर पे भी उनके खींचतानी चलती रहती थी है ना तो ये सब इसके कॉजेस थे और ओपीएम वॉर तो हमने देख ही लिया तीन स्टेज है पहला स्टेज में चौनपी कन्वेंशन साइन होता है सेकेंड स्टेज में फोर्ट को सीज कर लिया जाता है एंड थर्ड स्टेज में सर हेनरी पोटिंगर आते हैं और ट्रिटी ऑफ नैनकिंग साइन होती है सेकेंड ओपियम वॉर में फ्रेंड्स और ट्रिटी ऑफ टीनस्टीन होती है जिसकी वजह से और ग्यारह पोर्ट्स खोले जाते हैं उन्हें और ज़्यादा अब इंटेमिटी मिलने वाली है जो ओपीएम पे जो बैन लगा हुआ था जो प्रोहिबिशन लगा हुआ था उसे हटा दिया गया है फिर तो हमने हिस्टोरियंस के व्यूज़ देखे कार्ल मार्क्स का कहना है कि ओपीएम का जो इंपोर्ट हो रहा था आयात हो रहा था वो मेन रीज़न था जॉन के फेयर बैंक का कहना था कि ये क्लैश ऑफ कल्चर्स था वेस्टर्न पावर्स और ब्रिटिश और ग्रीनबर्ग ये सब माइकल ग्रीनबर्ग का कहना है कि चीन को बस स्वतंत्र व्यापार के लिए खुलवाना चाहते थे यही उनका मकसद था सो so फ्रेंड्स ये था हमारा ओपीएम वॉर आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा सो so प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं और अपने प्यारे प्यारे सजेशंस भी हमें दें हमें आपके सजेशंस का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार रहता है दोस्तों कि हम और किस तरह से और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं सो so फ्रेंड्स मिलते हैं अगले टॉपिक में एंड फ्रेंड्स अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बटन को हिट करें एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो Thank you.